everyone and welcome back to my YouTube channel BP Blogs और सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिसने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखा तो मैं बता दूं कि मैं लास्ट वीडियो में जा रहा था अपना मनाली, जाके देख लें एक बार। फिर मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि जा रहा था मनाली और मेरा हो गया भयंकर वाला एक्सीडेंट, तो गाड़ी की जो है हो गई हालत खराब, हम बच गए। तो हमारा 2020 तो हमारा पूरा गुजरा ही था और लास्ट में सेलिब्रेशन करने के लिए निकले भी थे। दो सेलिब्रेशन के लिए निकले थे, एक तो हमारे 500 सब्सक्राइबर हो गए उसके लिए और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के लिए, तो वो हो गया पूरा का पूरा बर्बाद। और अच्छी बात ये है बस कि हम बचे हुए हैं। जो नुकसान हुआ गाड़ी को हुआ और उसके बाद मैंने अपनी गाड़ी जो है वो लीगल में डाल दी, तो जो भी होगा उसका गाड़ी का मैं आपको आने वाले वीडियोस में वो आप देख ही लेंगे, उसके अपडेट आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल तो क्या है कि नया साल है, नया दिन है, तो नई शुरुआत कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे में कैंप पे बैठा हूँ, पीछे डंबल्स पड़े हुए हैं और बेसिकली ये मेरा जिम कहीं और लगा हुआ था, मैं इसको अपने रूम में ही सेट कर रहा हूँ, तो वो आज करूँगा जिससे कि नए साल है कोई नई चीज़ करी जाए अपने रूम में। या फिर एक्सरसाइज पर तो और ध्यान दूंगा, वैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, रेगुलर करता हूँ, पर अब थोड़ी सी और ध्यान देनी और यहाँ हो जाएगी तो फिर बिजी हो जाएगी कि रूम में है फटाफट कर लो, जब चाहे जब मन करे तब कर लो। तो ये जो आप पहला पड़ा है इसलिए पहला पड़ा आज ही ऊपर उठा के ये सब लाया हूँ। और आप देख सकते हैं कि फर्श जो है पूरा हमारा टाइल्स वगैरह लगे हैं, तो अगर डंबल वम्बल गिरा तो जो है नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए मैंने अमेजोन से ये मंगाया, खोल के देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं ये फ्लोर मैट्स मंगाए हैं मैंने जिम वाली, तो देखते हैं कैसी हैं और अगर सही रही सब कुछ सही लगा तो ऐसे 3-4 और मैं मंगा लूँगा। तो ये 6 पीस हैं, तो इनको आज लगाना है और जिम को थोड़ा सेट करते हैं और फिर बाकी बातें करते हैं आपसे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि फिलहाल तो मैं क्या करने वाला हूँ। तो देखते हैं ये मैट्स कहाँ लगाता हूँ, या तो मैं उस कॉर्नर में लगाऊंगा या इन बेंच के दोनों साइड में लगा दूंगा। ये वाले टेबल यहाँ से हटाऊंगा, ये जो दीवान है वो उसको उस कॉर्नर में रख दूंगा। मेरी जो पुल अप बार होगा वो ये वाली जगह पे लगाऊंगा, वो मेरा उधर ही पड़ा जहाँ जिम पहले था, तो उधर लगाऊंगा। इन पिक्चर्स को जहाँ तक रहने दूंगा और मिरर देखता हूँ कहाँ सेट करना हो। तो ये सब आज बहुत सारे काम करने हैं और मुझे लगता नहीं कि इतने उससे काम होगा, मुझे और भी मंगाने पड़ेंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इतने से काम नहीं होगा। और आप मेरे हालत की देखो यार, चेहरे की कैसी हालत हो रही है, क्योंकि इतनी ठंडी हो रही है ना, तो इतने दिन से आपने सुना ही होगा न्यूज़ वगैरह में कि नॉर्थ इंडिया में कैसी हालत है, तो भयंकर ठंड हो रही है। और ये देख सकते हैं आप, आपको दिखाऊँ मैं बाहर अगर दिख रहा हो तो सब बादल बादल से हो रहे हैं और जो है काफ़ी ठंडी हो रही है, तो ये चेहरा भी ऐसा हो गया है। और 2-3 दिन वो एक्सीडेंट की वैसे परेशान भी रहा था, तो दिमाग ख़राब सा रहा था। तो आज नया साल है, नया दिन है, नई शुरुआत है, तो कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को चेयर अप करने की और ये सेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक तरीके की मेडिटेशन भी टाइप हो जाती है। एक्सरसाइज करते रहो ना तो बहुत सारा स्ट्रेस वो चला जाता है। हालाँकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, काफ़ी करता हूँ, पर अब रूम में लगा दिया तो और ज़्यादा आसानी होगी और ज़्यादा रेगुलर रहूँगा। वैसे मैं रेगुलर हूँ, पिछले 2 महीने से रेगुलरली कर रहा हूँ, वो एक्सरसाइज की बात करेंगे बाद में। फिलहाल फटाफट कर देते हैं इन चीज़ों को सेट और उसके बाद करते हैं आपसे बात। तो भाई ये तो हमारा सेट हो गया है मैट और अच्छे से आ गया, बस ये वाला पीस जो है थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, अब इसकी मैं करता हूँ अरेंजमेंट, कुछ ना कुछ देखता हूँ कैसे करना है। फिलहाल तो एक डंबल इस पर डाल के देखते हैं कैसा है ये। तो ये 5 किलो का देखते हैं और वो तो काफ़ी ठीक काम कर रहा है, मतलब ले रहा है अच्छे से, मतलब कोई दिक्कत नहीं आई है बाइक पे। तो और भी लूँगा मैं ऐसे, और भी अभी मंगाऊँगा, एटलीस्ट 2 और मंगाता हूँ, तो क्योंकि काफ़ी जगह इसने कवर कर ली है, तो अगर 1 पीस और आ जाएगा तो इतनी जगह और हो जाएगी, तो 2 में मेरा काफ़ी हद तक हो जाएगा। अब ये टेबल तो है, मैं अकेले क्योंकि इसमें है सामान कर नहीं पाऊँगा, तो उसको करूँगा बाद में। डंबल संबल जैसे अभी पड़े हैं वैसे ही पड़ जाते हैं, खाली वो पुल अप बार वो भी मुझे किसी को बुलाना पड़ेगा, और क्योंकि उसका पूरा सिस्टम फास्टनर वास्टनर लगेगा, उसका निकले के फिर लगेगा, तो वो सब जब होगा तब आपको दिखा दूँगा।
फिलहाल तो जो है ये दोबारा से पूरा का पूरा टेक लेना पड़ा, क्योंकि आप देख सकते हैं लाइटें चल चुकी हैं, पर्दा बंद हो चुका है क्योंकि अंधेरा हो गया। अभी मैं एडिट कर रहा था तो मेरे को जो भी इससे पहले लिया वो ज़्यादा कुछ ज़्यादा सी बकवासी लग रही थी, तो मैंने कहा नहीं ये बकवास नहीं करनी है। और आपने जैसे देखा कि स्टार्टिंग में अब मैंने लिखना चालू कर दिया कौन सा ब्लॉग है, तो अब पूरे ईयर में मेरी एक गोल रहेगा, रेजोल्यूशन तो इस साल आप रहेंगे नहीं, पर एक गोल एक टास्क रहेगा कि एटलीस्ट 150 तो जो है वीडियोस जो है ब्लॉग्स जो है आपके लिए लाएं और डालें। कोशिश रहेगी क्योंकि क्या है इस साल मैंने अपना जो है बिजनेस भी थोड़ा एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो वो भी काम रहेगा, लेकिन ये एक टास्क है क्योंकि ये अपना शौक है, ये तो करना है और अब तो आलस ही लग गई है। तो अब ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा इस बार। और जैसे कि आपको पता है 2020 जो हमारा सबके लिए ज़्यादा अच्छा साल नहीं रहा, हालांकि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली उस साल से, पर अब आ गया है 2021। तो जाने से पहले, इस वीडियो को एंड करने से पहले, एक बार आप सभी को फिर से दिल से हैप्पी न्यू ईयर, और मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, अलविदा, बाय।